हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इस ईयर आपने काफ़ी एसयूवीज़ देखी होंगी। सभी कंपनीज अपनी एसयूवी सेगमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं, रीज़न बीइंग कि जो कंज्यूमर हैं वो एसयूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन एक हैचबैक या फिर सेडान। सो आपने देखा है कि इस ईयर आपने देखी है किया कि सेल्टॉस, टाटा हैरियर फॉलोड बाय एमजी हेक्टर। सो काफ़ी आपने देखी है, वहीं आपने हुंडई की वेन्यू भी देखी है। सो अभी अगेन टाटा अपनी इस सेगमेंट के अंदर एक और कार को उतारने वाला है जिसका नाम है टाटा ब्लैकबर्ड। बेसिकली ये जो कार है ये हैरियर जो है उससे नीचे रहने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाटा ब्लैकबर्ड कब लॉन्च होने वाली है, इसकी लॉन्च डेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर और क्या इसके प्राइसिंग रहने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी कार से रिलेटेड न्यूज़, रिव्यूज़, कंपेरिजन्स वाली वीडियोज़ हमेशा लेकर आता रहता हूँ। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस की बात करूँ तो ये समवेयर अराउंड आपको 4.2 मीटर लॉन्ग मिल जाएगी। नेक्सॉन से आपको ये बड़ी मिलेगी और हैरियर से थोड़ी सी आपको ये छोटी मिलेगी। सो बेसिकली जो इसके राइवल्स रहने वाले हैं वो निसान की किक्स रहने वाली है, हुंडई की क्रेटा, एसक्रॉस, किया सेल्टॉस और कहीं ना कहीं वेन्यू को भी ये राइवल रहने वाला है। अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। वहीं जैसी ऑटो एक्सपो में इसको रिवील किया जाएगा उसके बाद ही इसको मार्केट के अंदर काफ़ी जल्दी उतार दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो आपने जैसे हैरियर देखी है अपर में, उसमें आपको एलईडी डीआरएल्स मिलती है वर्टिकली प्लेस्ड, सेम आपको इसके अंदर भी वैसी ही लुक देखने के लिए मिलने वाले। वहीं आप अगर देखोगे तो नीचे लोअर प्लेस्ड आपको इसके अंदर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विद डुअल चैम्बर। सो सेम आपको इसका डिज़ाइन हैरियर की तरह देखने के लिए मिलने वाला है, पर जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपको फ्रंट में थोड़ी सी छोटी ग्रिल मिल जाएगी विद 3D ह्यूमैनिटी लाइन्स मिलेंगी, लार्ज हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विद LED DRLs, जो फॉग लैम्प्स हैं वो आपको ट्राई शेप के अंदर, ट्राइंगुलर शेप के अंदर आपको इसके अंदर फॉग लैम्प्स मिलने वाले हैं। वहीं आपको जो व्हील आर्चिस है वो आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेंगी और क्लैडिंग्स भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। सेम जो हैरियर के ऊपर आपने देखा है जो थोड़ी सी स्लोपिंग रूफ लाइंस हैं वही सेम आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो आपको इसके अंदर 10 इंचेस की लार्ज इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट इसके अंदर करेगा। वहीं आपको इसके अंदर मिरर लिंक भी ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। सो जैसे आपने वेन्यू के अंदर काफ़ी फीचर्स देखे थे ब्लू लिंक वाले, थोड़े से इसके अंदर फीचर्स जो टाटा थोड़ा सा पीछे रह गई है अपने इन फीचर्स की वजह से, वो टाटा ब्लैकबर्ड में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि है एडवांस फीचर के साथ आपको टाटा ब्लैकबर्ड मिलने वाली है। वहीं आपको इसके अंदर डिजिटल इंफोटेनमेंट कंसोल सिस्टम मिल जाएगा। अगर मैं इसमें बेसिक फीचर्स की बात करूँ जो आपको इसके सभी वेरिएंट्स के अंदर मिल जाएंगे, सो आपको इसके अंदर डुअल एयरबैग्स, ABD विद ब्रेक असिस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अगर आप इसका टॉप मॉडल परचेज़ करेंगे तो आपको इसके अंदर मल्टीपल एयरबैग्स मिल जाएंगे। सो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो अभी 6 एयरबैग्स के साथ आई है वो आपको मिलने वाले हैं। सो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको BS6 नॉर्म्स के साथ कंप्लाइंट इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो एक कमाल की बात आपको इसके अंदर मिलती है। वहीं आपको इसके अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो जनरेट करता है 120 BHP से लेके 130 BHP समवेयर अराउंड इसके अंदर ही आपको BHP इसमें मिलने वाली है। डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो एक अमेजिंग बात आपको इसके अंदर मिलती है। प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग आपको समवेयर अराउंड मिल जाएगी 9.5 लाख्स टू 13.5 लाख्स, ये एक शोरूम प्राइस है। शायद जो इसका डीजल का ऑटोमेटिक ऑप्शन होगा वो आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट के अंदर मिलेगा, जो शायद 14 लाख्स को क्रॉस कर सकता है। सो ये थी कुछ प्राइसिंग टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में और कुछ डिटेल टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।